खबर यूपी के बदायूं से सामने आ रही है, जहां पर दिव्यांग दिवस पर आयोजित बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए शानदार प्रस्तुति देते हुए सभी का दिल जीत लिया। वहीं प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में समग्र शिक्षा अभियान की ओर से समेकित शिक्षा द्वारा जनपदीय बाल शैक्षिक एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता हुई। मुख्य अतिथि परियोजना निदेशक अनिल कुमार ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने दिव्यांग बच्चों की प्रतिभाओं को सराहा। बीएसए आनंद प्रसाद शर्मा ने कहा कि दिव्यांग बच्चे हर चुनौती को स्वीकार करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। डायट प्राचार्य कमलेश ओझा ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। गायत्री परिवार के संजीव कुमार शर्मा ने कहा, दिव्यांगों में ही दिव्य गुणों का खान है। श्रवण बाधित बालक वर्ग में 50 मीटर दौड़ में रंजना प्रथम और बालक वर्ग में अब्दुल्ला प्रथम, वहीं बालिका वर्ग में रईफा प्रथम आई है। श्रवण बाधित बालिका वर्ग की कुर्सी दौड़ में हंसमुखी प्रथम आई है। प्राथमिक स्तर की 50 मीटर दौड़ श्रवण बाधित बालिका वर्ग में अनामिका प्रथम रही। आपको बता दें, प्रधानाचार्य सीपी सिंह रोटरी क्लब जीएस हीरो व बंदायू क्लब के सचिव डॉक्टर अक्षत ने बच्चों को सम्मानित किया। इस मौके पर सुरेश कुमार मिश्र, विपिन मिश्रा, प्रज्ञा मिश्रा, दिव्या उपाध्याय, सरिता देवी, रेखा देवी और असरार खान, नंदराम शाक के, शगुफ्ता खान, प्रशांत सिंह, पुरुषोत्तम शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे।